Hey guys, myself Deepbhart and you're most welcome on my YouTube channel Technical Baba Tutorial Music and Fun. दोस्तों आज जिस विषय को लेकर मैं बात करने वाला हूँ वो है YouTube की चार ऐसी सेटिंग्स जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते हैं। तो अगर आप नए नए अभी आए हैं YouTube पर, अपना चैनल बनाया है, आपने क्रिएट किया है और आप चाहते हैं ग्रो करना, आप चाहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर आप कैसे गेन करें और आप चाहते हैं कि 4000 वॉचिंग आवर्स आप जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करें इन 12 मंथ्स के अंदर, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कहीं आपको लोग लुभावने प्रलोभन देते हैं, कहते हैं कि आप एक महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कर लीजिए, 10 दिन के अंदर कर लीजिए, 3 दिन के अंदर कर लीजिए। दोस्तों यह सब डिपेंड होता है आपकी मेहनत के ऊपर। दोस्तों यह सब डिपेंड होता है कि आप किस तरह से कंटिन्यू अपने वीडियो को बना रहे हैं और एक फ्लो में बना रहे हैं। आपको वीडियो और जो कंटेंट बनाना है वो अच्छी क्वालिटी पे बेस होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं और आपकी मेहनत और लगन ही आगे काम आने वाली है कि आप अपने चैनल पर ग्रो कर सकें और आप YouTube में एक अच्छा यूट्यूबर बन सकें, एक यूट्यूब क्रिएटर बन सकें। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको क्या करनी है ये चार सेटिंग्स अपने चैनल के अंदर में, ताकि आपका चैनल लगे अट्रैक्टिव, सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, ताकि जो भी कोई भी पहले व्यूअर्स आए आपके चैनल पर और आपके चैनल को देखे तो उसे लगे कि हाँ यार ये एक प्रोफेशनल चैनल है और एक बहुत ही बढ़िया चैनल है और काफ़ी वेल स्टैब्लिश ढंग से जब आप सेटल कर लेते हैं चैनल को, तो डेफिनेटली जब कोई भी व्यूअर्स आपके चैनल के अंदर आता है सर्चिंग के थ्रू, तो वह आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाने वाला है, क्योंकि उसे लगेगा कि यार यह जिस चैनल के अंदर मैं आया हूँ यह चैनल कंटिन्यू अपने वीडियोस को अपलोड करता है और एक वे में अपने वीडियोस को डालता है यह बंदा, एक पर्टिकुलर फील्ड में, यूनिक फील्ड में, ठीक है। तो वह आपके चैनल के फिर उसके बाद देखेगा कि किस ढंग से आपने वेल ढंग से इस्टेब्लिश किया है अपने चैनल को। अगर आपने अपने चैनल को वेल ढंग से इस्टेब्लिश किया है तो डेफिनेटली जो व्यूवर्स होगा, जो आपके चैनल के अंदर आएगा, विजिट करेगा, तो वह आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों यही सब चीज़ों को लेकर मेरा वीडियो है, इसके लिए आप बने रहिए अंत तक मेरे वीडियो के साथ में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त और समय गवाए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट स्टार्ट, बने रहिए अंत तक, देखिए और इसका फ़ायदा जरूर लीजिए। हे गाइस, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ये आपको सब्सक्राइब लोगो जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब आइकन पर जाकर आप कर दीजिए इसे प्रेस। उसके बाद में आपको बेल आइकन शो हो रहा है तो सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन जो शो होगा उसको आपको कर देना है प्रेस। प्रेस करते ही दोस्तों जो मेरे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएंगे, सबसे पहले पहुंच जाएंगे, ताकि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें और इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें। ओके दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं जो मैं चार इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज, उसके बारे में बात कर ली जाए। तो क्या है वह चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो कि एक यूट्यूबर को जानना बहुत ही ज़रूरी है और उसे अपने चैनल के ऊपर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप की और भी मैं YouTube से रिलेटेड सेटिंग्स लेकर आते रहता हूँ आप लोगों के लिए और आगे भी लेकर आते रहूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फर्स्ट वन सेटिंग की तरफ लिए चलता हूँ। फर्स्ट वन जो सेटिंग है दोस्तों वह है आपकी ब्रांडिंग, जो आपका चैनल का वाटरमार्क होता है, लोगो होता है, उसकी सेटिंग आपको कैसे करनी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा अपने चैनल के लोगो पर राइट हैंड साइड पर। अब जब ब्राउज़र ओपन करेंगे उसके बाद जाएंगे क्रिएटर स्टूडियो पे, तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है ताकि टाइम और वक्त और समय की बर्बादी ना हो। तो अभी मैं चले जाऊंगा चैनल पर, चैनल पर जाकर आपको कर लेना है इसे ओके। आप अपने चैनल के सेटिंग पर जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं चैनल सेटिंग पे जाने के बाद आपको इसके अंदर फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, स्टेटस एंड फीचर्स, मोनिटराइजेशन, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, ब्रांडिंग एंड एडवांस। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको जाना है ब्रांडिंग में। आप ब्रांडिंग में जाएंगे तो ब्रांडिंग में जाने के बाद में आपको ये शो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं मैंने जो अपने चैनल का वाटरमार्क लगाया है जो कि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के ऊपर दिखाई देता होगा इस तरह से, टेक्निकल बाबा ट्यूटोरियल एंड म्यूजिक एंड फन। तो आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और आप चाहे तो दूसरा चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं वाटरमार्क यहाँ पर चेंज करता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी सेट किया तो इसके लिए मैं पहले कर लूँ रिमूव, तो यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको आ रहा है ऐड वाटरमार्क, ऐड वाटरमार्क पे आप पर जाकर चूज़ ए फाइल, फाइल चूज़ करना है। फाइल चूज़ करते ही आप अपने डॉक्यूमेंट से ले लेंगे कोई भी फाइल, तो चलिए मैं फ़ोटो से कोई फ़ाइल उठा लेता हूँ अपनी।
अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, तो मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे लगा देने वाला हूँ। तो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो वाटरमार्क क्या होता है एक्चुअली दोस्तों? वाटरमार्क होता है एक ब्रांड लोगो, जिससे कि आपके चैनल पर जब कोई भी विजिटर नया आता है तो वह क्या करता है कि आपके चैनल पर आने के बाद में जो न्यू विजिटर्स होते हैं, हर किसी को सेटिंग्स पता नहीं होती, तो सब्सक्राइब का जो आइकन है एज ए यह लोगो आपको दिखाई देता है, चैनल लोगो आपके सारे वीडियो पर यहाँ से जाके बंदा कर सकता है आपके चैनल को सब्सक्राइब। जब वह इसके ऊपर प्रेस करेगा तो इसके बाद में वह सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अभी यही लगा लेता हूँ वाटरमार्क। ठीक है, सेलेक्ट हो गई है मेरी पिक्चर, इसे कर देता हूँ मैं सेव। यूअर अपलोडेड वाटरमार्क, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से शो होगा। उसके बाद में आपको जाके कर देना है सेव। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है विंडो नहीं ओपन हुई है, तो कस्टमाइज स्टार्ट टाइम, आप इसे 5 मिनट लेना चाहते हैं स्टार्टिंग में, या आप, तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको लेना है इंटायर वीडियो, ताकि आपके पूरे वीडियो पर यह लोगो बना रहे, वाटरमार्क का जो आपका ब्रांड लोगो है आपके चैनल का। तो इंटायर वीडियो मैंने कर लिया, उसके बाद में मैं इसे कर दूंगा अपडेट। तो ये थी दोस्तों मेरी फर्स्ट रन सेटिंग, इसके बाद में यह हो चुका है अपडेट, सेव सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में दिखा रहा है आपको सेव सक्सेसफुली। ठीक है, अब बात आ जाती है दूसरी सेटिंग की। तो दूसरी सेटिंग्स क्या है दोस्तों? दूसरी सेटिंग ये है कि आप में से जो नए यूट्यूबर्स हैं कई, तो आपने देखा होगा कई जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनके आपको सब्सक्राइबर्स दिखाई नहीं देते हैं, शो नहीं होते हैं। तो वह क्यों शो नहीं होते हैं दोस्तों? तो उसकी सेटिंग भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने सब्सक्राइबर को हाइड करना तो आप कर लीजिए यह सेटिंग और अपने चैनल के ऊपर अप्लाई। इसका बेनिफिट क्या दोस्तों? इसका बेनिफिट यह है कि जब आप एक न्यू यूट्यूबर्स होते हैं तो आपके चैनल में सब्सक्राइबर कम होने की वजह से कोई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है एक बड़े कम्युनिटी के साथ जुड़ना। तो इसमें यह आपको मदद करेगा, जब आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर देंगे तो आपके सब्सक्राइबर खुद ब खुद आने लगेंगे आपके चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप जाएंगे एडवांस, एडवांस के अंदर चैनल के अंदर एडवांस, एडवांस के अंदर आप जाएंगे सब्सक्राइबर काउंट्स। सब्सक्राइबर काउंट्स में जो दोस्तों हैं उसमें है डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो आपको कर देना है डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जैसे सेट किया है, अभी मैं जैसे ये कर दूँ, तो अगर आपको शो करना चाहते हैं, शो करने के केस में आप कर देंगे डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अभी डिस्प्ले कर देता हूँ मैं, सेव मैंने कर लिया। तो इस तरह से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं अभी आपको शो होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में आप देख सकते हैं मैं कर चुका हूँ इसे सेव, योर चेंजेस हैव बीन सेव। थर्ड वन जो सेटिंग्स आ जाती है दोस्तों, थर्ड वन सेटिंग जो है हमारी, थर्ड वन सेटिंग है आपका चैनल का कीवर्ड्स। तो चैनल कीवर्ड्स के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको अपने चैनल के कीवर्ड्स सेट करने हैं। तो इसके लिए भी आपको चैनल के अंदर जो आपकी एडवांस सेटिंग है उसके उस पर ही जाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट वन आपको दिखाई दे रहा है आपके जो प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है, आप यहाँ से अपने चैनल का नाम या प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप जब एक बार एडसेंस से अप्रूव करवा देते हैं तो उसके बाद आपको यह चेंज नहीं करना चाहिए, इससे आपकी जो ब्रांडिंग है, जो आपका जो चैनल का नेम है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो चैनल कीवर्ड्स देख सकते हैं आप दोस्तों। कंट्री पहले आपने इंडिया सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैं इंडिया का पीपल हूँ तो इंडिया से मेरा रीज़न है, इंडिया मेरी कंट्री, इसलिए मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है। चैनल कीवर्ड्स में आप देख लेंगे तो मैंने क्या क्या कीवर्ड दिए हैं, जैसे एक्चुअली मेरे चैनल का नाम है एक प्रदीप टेक्निकल बाबा ट्यूटोरियल म्यूजिक एंड फन, तो मैंने अपने चैनल का नाम दिया है। इसके अलावा एक बार आपको स्पेस के साथ में देना है और एक बार आपको विदाउट स्पेस लिख देना है, जैसे आप देख सकते हैं विदाउट स्पेस भी मैंने लिखा हुआ है टेक्निकल बाबा ट्यूटोरियल म्यूजिक एंड फन। इसके अलावा मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करता हूँ, ट्यूटोरियल बेस्ड मेरे वीडियोज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं जो मेरे वीडियो हैं गढ़वाली कल्चर एंड म्यूजिक से रिलेटेड इंटरटेनिंग, ठीक है, इसके अलावा दीप भट्ट ब्लॉग एंड डायरीज मेरी हो गई, इसके अलावा आपका यूट्यूब जो सेटिंग और गाइडलाइंस एंड पॉलिसी के रिगार्डिंग जो मेरे हिंदी में ट्यूटोरियल वीडियोज़ होते हैं वह भी आप लोगों के लिए रहते हैं।
इसके अलावा सोशल वर्क मैं करता हूँ, टेक वीडियोस, इस टाइप के मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो 500 वर्ड्स आपको अलाउ होते हैं यहाँ पर। तो ये थी दोस्तों आपकी तीसरी सेटिंग, ठीक है। तो इसके बाद भी आपको क्या कर देना है, अपने कीवर्ड्स डालने के बाद में सेव पे जाके से सेव कर देना है। फोर्थ वन जो सेटिंग है दोस्तों वो हो गया है कि आपका जो आपको पहले अपने जाना है डैशबोर्ड में, ठीक है। आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो इसमें क्या है, जब कोई भी जो न्यू यूट्यूबर्स है, जो न्यू विजिटर्स आता है आपके चैनल के अंदर, जब वो आपके चैनल पर जाएगा तो उसे प्लेलिस्ट शो होती है, उसे प्लेलिस्ट दिखाई देती है आपके चैनल की, आपने जिस कैटेगरी के वीडियोस डाले होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल के अंदर जाके मैंने जो डाले हुए हैं अपलोड्स, मेरा फर्स्ट वन जो प्लेलिस्ट है वो अपलोड्स की है, सेकंड वन आप देख सकते हैं पॉपुलर वीडियोज़, दीप भंडारी ब्लॉग्स मेरा प्लेलिस्ट, गढ़वाली कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, श्रीनगर गढ़वाल सोशल वर्क रिलेटेड मेरे वीडियोज़ हैं। तो अगर जैसे आपको प्लेलिस्ट लगानी है अपने चैनल पर तो, और आपने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं किया हुआ और आपको नहीं आता प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करना है दोस्तों, तो उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप मुझसे, मैंने बिजनेस इंक्वायरी के लिए आपको नीचे अपना मेल आईडी दिया है, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी वहाँ से क्वेरी शॉर्ट आउट कर दूंगा, तो आप मुझसे अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरीज है आपको वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी चैनल की सेटिंग को रिलेटेड। तो ऐड सेक्शन में आपको जाके करना है ओके। ऐड सेक्शन में जाके आप ओके करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कंटेंट, सेलेक्ट कंटेंट। जैसे कि मैं कोई कंटेंट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट, तो मैं प्लेलिस्ट पर जाकर जो मेरे प्लेलिस्ट हैं, ठीक है, तो रिसेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो आपके अपलोड्स होते हैं वही है, ठीक है। तो पॉपुलर वीडियो मैंने अपने सेट किए हुए हैं, अपलोड्स मैंने सेट किए हुए हैं, और अभी प्लेलिस्ट पर जाकर मैं अपनी क्रिएटेड प्लेलिस्ट में जाऊंगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बाय टेक्निकल, ठीक है, जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, मैंने अभी प्लेलिस्ट को ऐड किया है। अगर इसी तरह आपको, अगर आपको करना है, जैसे मैंने, अगर देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी प्लेलिस्ट को ही ऐड कर लिया है बंच के रूप में, जो मेरे वीडियोस हैं वो आप लोगों तक अवेलेबल हैं। तो उसके बाद में आप क्या कर लेंगे, आप चाहते हैं इसे हॉरिजेंटल लेना है या वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल का केस क्या है, ये आपको जो सीधा लाइन में दिखाई दे रहे हैं तो इस टाइप से आपको कुछ शो होगा। वर्टिकल मैं अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वर्टिकल सेलेक्ट करने पर आप देखेंगे ये इस तरह से सीरीज में आपको दिखाई देंगे। तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता दोस्तों वर्टिकल में, तो आप इसे कर लेंगे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मैं वापस सेटिंग ले लिया और इसके बाद में मैं इसे डन कर देता हूँ दोस्तों। डन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा चैनल आपको किस तरह से ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कोई प्लेलिस्ट आपने गलत ढंग से ऐड कर ली है तो आप यहां से इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपको कैसे रिमूव करना है, चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये एडिट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके बाद आपको ये दिख रहा है डिलीट। तो चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो चलिए मैं डिलीट करता हूँ अपनी इस प्लेलिस्ट को, मैंने डन पर जाकर कर दिया इसे डिलीट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी यह प्लेलिस्ट अब हो चुकी है डन। तो इस तरह से आपको डिलीट करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को और शेयर कीजिएगा मैक्सिमम पीपल्स के बीच में। और इस तरह से मैं साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस और यूट्यूब के रिगार्डिंग जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, आपकी पॉलिसीज़ हैं, इस टाइप के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करते रहता हूँ टाइम टू टाइम। वीकली मेरे 3 वीडियोस आते हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।